मंदसौर नगर पालिका में ठेकेदार को बिना भ्रष्टाचार के नहीं मिल रहा 30 लाख रुपए से अधिक का भुगतान, एवं कहा कि भुगतान नहीं हुआ तो कर लूंगा आत्महत्या। मंदसौर नगर पालिका इन दोनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है और आए दिन नगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों पर पैसे मांग कर काम करने का आरोप लगता है। ऐसा ही मामला मंदसौर नगर पालिका के ठेकेदार चंद्रशेखर ने निगम द्वारा नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि मेरा 30 लाख रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया जा रहा क्योंकि मेरे द्वारा रिश्वत नहीं दी गई, एवं कहा गया जो नगर पालिका के ठेकेदार हैं उनके अलावा अन्य प्राइवेट लोगों से भी रिश्वत लेकर उनसे काम कराया जा रहा है जो कि नियम के विरुद्ध है, एवं कहा कि मेरा भुगतान शनिवार तक नहीं किया गया तो नगर पालिका के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करूंगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बंगले पर भी पैदल मंदसौर से जाऊंगा, उसके बाद भी भुगतान नहीं होता तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मंदसौर नगर पालिका में कई सालों से जमे मोटी चमड़ी के अधिकारी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहे हैं। मंदसौर नगर पालिका CMO द्वारा बताया गया कि ठेकेदार का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, एवं मंदसौर नगर पालिका में किसी भी फाइल को बिना पैसे के अधिकारी कर्मचारी नहीं बढ़ाते हैं, एवं नगर पालिका के कुछ वार्डों के पार्षदों की बात करें तो वे भी नगर पालिका से काफी परेशान हो गए हैं और उनके वार्ड में भी कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा, जगह जगह पर कचरे के ढेर एवं अन्य समस्या हो रही है। इनका 30 लाख से अधिक का बिल बाकी है, उनका कहना है कि पैसे नहीं मिल रहे। 30 लाख तो नहीं है, 17 लाख का मैंने भी सुना है, तो कुछ फाइलें हैं जो अभी नियमानुसार ऑडिट में कुछ कार्रवाई में लंबित पड़ी हैं। अभी 1 लाख का भुगतान किए हैं और समय से धीरे धीरे उनका सब भुगतान हम लोग करते हैं। उनका कहना है कि कर्मचारी उनसे पैसे मांग रहे रिश्वत, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये मैं नहीं मान सकता। उनका कहना कुछ भी हो, देखिए ये नगर पालिका स्थानीय शासन है, इसमें फाइलें कभी जल्दी हो जाती हैं, कभी विलम्ब भी होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे पास तो 3-4 करोड़ ऊपर ऑलरेडी बकाया है बहुत से ठेकेदारों का। आपका कहना है 1 लाख का भुगतान हो चुका है, वो अपनी डायरी बता रहे कि मुझे 1 रुपये का प्राप्त नहीं, अभी बैंक में गया हुआ है, मैं दस्तखत करके निकाल चुका हूँ बैंक में, अभी हमारे AO साहब गए हैं उसको एंट्री करवा रहे हैं। उनका कहना है शनिवार तक भुगतान नहीं होता तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब वो ये इस बारे में हम लोग देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका जल्दी से जल्दी भुगतान। थैंक यू सर। मेरा लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा है, मैं नगर पालिका के अंदर मेरी दरें स्वीकृत है, जिसके मापदंड के ऊपर नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार चरम पे है कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। निचले स्तर के कर्मचारी जो काम करवाते हैं उनको कोई सूची प्रेषित नहीं की गई, उनसे कहा जाता है कि काम करवा लें, वो अन्य बिना GST रजिस्टर्ड फर्मों से इन वर्ष भर में कार्य करवाएं और उनके भुगतान हो गए हैं, उनके कुछ बिल पेंडिंग होंगे भुगतान हो गए, लेकिन मैं GST पंजीकृत हूँ और मुझसे जो कार्य कराए गए हैं उनका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ है। मेरा भुगतान तो अभी लगभग जो मैंने बिल दे रखे हैं वो तो लगभग 31 लाख रुपए के समथिंग है, लेकिन और मुझे बिल देना है जो मैंने कार्य किए हैं, और मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि मेरे द्वारा कार्य किए गए दूसरों फर्मों के बिल लगकर उनका भुगतान हो गया है। अब मैं जब बोलता हूँ तो ये कहते हैं कि आप सूची लेके आओ। भैया सूची मैं क्यों लेके आऊँगा, मैं स्वीकृत ठेकेदार हूँ, अगर नगर पालिका में कोई भी काम होगा तो अगर मैं लिख के दूंगा कि मैं काम नहीं करूँगा तो आप दूसरे से कराएंगे, फिर टेंडर प्रक्रिया का क्या। तो यहाँ के बाबू कहते हैं कि टेंडर वगैरह हमारा कहीं कुछ नहीं लगता, हमारी इच्छा जो होगी हम वो करेंगे। भुगतान नहीं होगा तो क्या करना? भुगतान नहीं होगा, मैंने पूर्व में 20 तारीख को एक आवेदन दिया था जिसके अंदर मांग की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी, चूँकि उसके प्रथम चरण में अगर शनिवार तक मेरा भुगतान नहीं होता है तो मैं 1 तारीख से 2 दिन के लिए यहाँ पर धरने पर बैठूँगा, उसके उपरांत फिर अगला कदम मेरा उठेगा जो मैं आपको मीडिया के माध्यम से अवगत कराऊँगा कि मैं यहाँ से माननीय CM हाउस तक पैदल जाकर CM से अपनी मांग रखूँगा और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करूँगा। चंद्रशेखर निगम।